ओके, अब डिपेंड करता है कि हमारा बेड सोर कैसा है, किस ग्रेड का है। जैसे कि इनका बेड सोर सेकेंड ग्रेड में आ रहा है, ठीक है, तो उसमें हम लोग नॉर्मल सलाइन से करेंगे, बीटाडीन से इस तरीके से उसको क्लीन कर देंगे और उसको ब्रश कर देंगे, ठीक है ना। और अगर उसमें पीलापन आ रहा है, अगर उसमें लगता है कि जो उसके आसपास के एरिया है वो मर चुके हैं, टिश्यू डेड हो चुके हैं, तो उसको हमें डिब्राइट करने की ज़रूरत होती है। ये याद रखिएगा, अगर बेडशोर के आसपास की त्वचा काली पड़ रही है तो ये मत सोचिएगा कि हील हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा कि काली हो रही है, मतलब कि मर रही है, ठीक है ना। तो उसको हमें हटाना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम उसको हटाएंगे नहीं, काटेंगे नहीं वहाँ से, तो नया टिश्यू निकल के बाहर नहीं आएगा, हील नहीं होगा, पूरा हील नहीं बन जाए क्या। ये सब तैयारी पहले से करके रखिएगा, ठीक है, इतना देर नहीं लगेगा। अब क्या है, मुझे पता नहीं था इनका बेड शोर कैसा है, इसलिए तैयारी नहीं करके रखी हमने, ठीक। यूजुअली बेड शोर ड्रेसिंग के बाद आपको अपने कपड़े भी बदलने चाहिए। हाँ।